गाइस आज की स्टडी में आपको ऐसे कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको जानने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और गाइस सर काफ़ी सारे लोगों के मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे सर जितनी भी पाकिस्तानी क्रीम्स होती है उसमें क्या सच में मलकरी है या नहीं। तो गाइस आज की स्टडी में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टडी को शुरू से लेकर प्लीज़ एंड तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस सर काफ़ी सारे यूट्यूबर ने गोरी क्रीम के बारे और विम्सन क्रीम के बारे में वीडियोज़ अपलोड की है और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि जो गोरी क्रीम्स है उसमें मलकरी उसमें स्टेरॉइड है। तो गाइस सर मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में बोला था कि जो ओरिजिनल जो क्रीम होती है ना उसमें किसी भी तरह का कोई भी मलकरी नहीं है। बट गाइस काफ़ी सारे लोगों को एक्चुअल में ये भी नहीं पता कि इसकी एक्चुअली मार्केट में काफ़ी सारी कॉपी क्रीम भी आती है। गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी आपको अमेजोन पर एक जो क्रीम आपको 150 में 100 रुपये में या 200 के आसपास इजीली मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से फेक है। लेकिन गाइस जो ओरिजिनल जो क्रीम होती है ना वो आपको इंडिया में थोड़ी कॉस्टली मिलेगी। अभी जितने भी सेलर होते हैं अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर वो एक्चुअली फेक क्रीम सेल कर रहे हैं। और गाइस सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ठीक। Hi, my name is Dr. Frank George, and I'm a practicing dermatologist. I've been practicing for the last 23 years and always have been very passionate about introducing quality products to my clients, but only when I can deliver a truly authentic quality product. I have complete trust and confidence in GoRe products, especially GoRe Beauty Day and Night Cream. The results are incredible, and I make sure that I only share products that offer very natural results to my patients. This is challenging because there are so many substandard products out there these days. But with GoRe, quality is not compromised, so I educate my patients on GoRe cosmetic products because they are effective, natural, safe, and absolutely have no side effects. I always recommend GoRe cosmetic products because it's all about patients' well-being. तो हालांकि कैसे आपने देख लिया एक जो डॉक्टर है वो खुद बोल रहे हैं कि गोरी क्रीम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ गई जो 100% ओरिजिनल जो क्रीम होती है ना उसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कैसे अभी इंडिया में इसकी काफ़ी सारी कॉपी क्रीम आने लगी जो कि 12-13 टाइप की आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सेल होती है और काफ़ी सारे लोग यार कॉपी क्रीम यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी सारा साइड इफेक्ट हो रहा है। लेकिन गई जो डुप्लीकेट जो क्रीम होती है ना उसमें मलकरी होता है। गई सर ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट क्रीम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, गाइस डुप्लीकेट क्रीम से भी आपको रिजल्ट मिलता है क्योंकि यार उसमें मलकरी होता है। आपको पता है मलकरी आपके स्किन को लाइक तो करता है लेकिन उसका काफ़ी सारा साइड इफेक्ट होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि गोरी जो ओरिजिनल क्रीम है ना उस पर भी मलकरी है, तो गाइस यार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए गोरी जो क्रीम है एक्चुअली अभी इंडिया में सेल हो रही तो उसको कम से कम 10 साल तो हो चुके होंगे। गाइस आपने 10 साल में कोई ऐसा केस सामने आया है कि गोरी क्रीम उसने यूज़ की है और उसको मलकरी के कारण उसको स्किन कैंसर हुआ है, उसके मतलब काफ़ी सारा साइड इफेक्ट हो चुका है। कई अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। अभी आपको जितने भी यूट्यूबर बोल रहे हैं जितने भी एक्चुअल में लोग बोल रहे हैं वो आपको झूठी मूठी जानकारी दे रहे हैं। गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्रीम से मलकरी नहीं है, हाँ कुछ क्रीम से होगा एक्चुअली मुझे पता नहीं है, लेकिन जो गोरी क्रीम की जो बात आती है और विम्सम की आती है इनमें गाइस किसी भी तरह का कोई भी मलकरी नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने गोरी क्रीम के ऊपर काफ़ी टाइम से वीडियोज़ डाल रहा हूँ। गाइस मैंने भी खुद गोरी क्रीम को यूज़ किया है 3-4 साल तक और अभी भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और गाइस मेरे पास कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर है जिन्होंने गोरी क्रीम को 2 साल तक यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने स्टॉप भी कर दिया तो उनको किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन गाइस ऐसा जरूरी नहीं कि गोरी क्रीम सबको सूट करे, किसी किसी को साइड इफेक्ट भी कर देते क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती है उनका छोटा ना छोटा किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो इसीलिए अगर आप गोरी क्रीम का यूज़ करना चाहते हो तो गाइस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ओरिजिनल क्रीम यूज़ करनी है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, अगर आपको आपको जहाँ से मिल रही है आप वहाँ से यूज़ कीजिए, लेकिन आपको ओरिजिनल क्रीम यूज़ करनी है। अगर आप फेक क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारा साइड इफेक्ट हो जाएगा ठीक है। और आपके मन में जो भी डाउट है जो भी क्वेश्चन है इन क्रीम के बारे में नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज की स्टोरी में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके बाय।